अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। फार्माकोग्नोसी का जो प्रीवियस हमने जो है वो कंप्लीट किया था, आज हमारा जो है मैसरेशन एक प्रोसीजर है। बहुत अच्छा प्रोसीजर है और बड़ा मज़े का है और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इसे बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है किसी भी चीज़ की एक्सट्रैक्शन में, चाहे वो क्रूड ड्रग हो, चाहे वो फाइन पाउडर्स हो या कोई भी हो। मैसरेशन इज अ मैथड डेट रिक्वायर प्रोलॉन्ग टाइम, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला एमसीक्यूज, मैसरेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जो बहुत प्रोलॉन्ग टाइम प्रोसीजर है। ये छोटा प्रोसीजर नहीं है, आप ये नहीं कह सकते ये 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे इस तरह घंटों का ये प्रोसीजर होगा। नो, इट्स अ वेरी प्रोलॉन्ग प्रोसीजर। इन दिस मैथड, इस मैथड में द ड्रग इज पाउडर्ड। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रग को पाउडर में कन्वर्ट करें एंड कवर्ड इन टू द पोरस क्लॉथ, और देन उसे मलमल के कपड़े के अंदर एक पोटली उसकी बना दे। मैं आसान जुबान में समझा रहा हूँ कि मैसरेशन एक ऐसा प्रोसीजर है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो भी ड्रग होगी आपने उस ड्रग को पाउडर की शक्ल में कन्वर्ट करना है, देन उस पाउडर को आपने एक पोटली के अंदर यानी एक पोरस कपड़े के अंदर, एक क्लॉथ के अंदर आपने कवर करना है। देन आपने मैरिस्ट्रम, मैरिस्ट्रम मीन्स कोई भी सूटेबल लिक्विड जो भी जिसमें आपने एक्सट्रैक्शन करनी है वो आपने लेना है, और उसके अंदर तकरीबन 2 से 14 दिन तक आपने वो अपनी पोटली जिसमें आपने अपनी तमाम ड्रग को पैक किया हुआ था उसको उसके अंदर सस्पेंड कर देना है, डिप कर देना है और छोड़ देना है। आस्ता आस्ता उस पोटली के अंदर जितनी भी ड्रग होगी, जो भी उसके अंदर हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा, केमिकल होगा, वो वहां से एक्सट्रैक्ट होगा, और एक्सट्रैक्ट होने के बाद वो उस मैरिस्ट्रम के अंदर आ जाएगा। जब वो उस मैरिस्ट्रम में आ जाएगा फिर हम उसे रिमूव करेंगे और यूटिलाइज करेंगे। अब इसके प्रोसीजर है, प्रोसीजर जरा हम सुनते हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। इन दिस प्रोसेस द ड्रग्स आर कम्युनिकेटेड टू द फाइन पाउडर, यानी कि इस प्रोसीजर में आपने ड्रग को फाइन पाउडर में कन्वर्ट करना है। नाउ दिस पाउडर विल एनकैप्चर्ड इनटू द पाउच। अब इस ड्रग को, इस पाउडर को आपने एक पाउच के अंदर कैप्चर यानी पैक करना है। अ सूटेबल मैरिस्ट्रम इज सिलेक्टेड, एक खास सूटेबल मैरिस्ट्रम आपने सिलेक्ट करना है। आफ्टर दिस, उसके बाद आपने द पाउच कंटेनिंग ड्रग पाउडर इज सस्पेंडेड इन टू द मैरिस्ट्रम फॉर 2 to 14 days, और उसके बाद आपने उस पाउच को जिसमें आपने ड्रग को पैक किया था उसको आपने 2 से 14 दिन के लिए मैरिस्ट्रम में सस्पेंड कर देना है, ठीक है। और आफ्टर दैट द पाउच इज रिमूव्ड एंड एक्सट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड, जितना एक्सट्रैक्ट हमें रिक्वायर्ड था वो मिल जाएगा, पाउच आपने रिमूव कर देना, सेम प्रोसीजर था, ठीक है। और बाद में जो आपके पास वो मैरिस्ट्रम है उसका वॉल्यूम आप मेकअप करें, चाहे वो आप 100 ml कर लें, 1000 ml कर लें, 500 ml कर लें, इट डिपेंड्स अपॉन यू। टाइप्स ऑफ द मैरिस्ट्रेशन आपके पास 3 तरह की होती है। एक मैरिस्ट्रेशन वो होती है जिसमें आप ऑर्गेनाइज ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। ऑर्गेनाइज ड्रग शायद आप लोगों को याद हो, जब हमने फार्माकोग्नोसी स्टार्ट की थी तो वहां पर ऑर्गेनाइज ड्रग का हमने चार्ट किया था कि प्लांट के कोई बॉडी पार्ट्स लाइक सीड्स, लीव्स, रूट्स, उसके स्टेम्स और उसके जो हैं फ्लावर्स, ठीक है, ऐसे बॉडी पार्ट्स जो प्रॉपर होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनाइज बॉडी पार्ट्स कहते हैं। तो वो वहां से अगर हम कोई ड्रग हासिल करना चाहते हैं तो उसे ऑर्गेनाइज ड्रग कहेंगे। लेकिन अगर प्लांट का वो पार्ट लाइक अगर हम उसकी बॉडी पे कहीं कट लगाते हैं, वहां से कोई फ्लूइड एक्सट्रैक्ट होता है, लाइक कम्स हो गई, लाइक म्यूसिलेज हो गई, लाइक रेसन्स हो गई, और आपकी ट्रेगागेंट हो गई, गमकेशिया हो गया, इस तरह की कोई इररेगुलर शेप में कोई लिक्विड, कोई म्यूसिलेज, कोई गम्स, कोई रबर, ये जब चीजें आपकी प्लांट से एक्सट्रैक्ट होती हैं, दिस टाइप ऑफ दी पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। इन्हें अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहते हैं, ठीक है। और ये चीज याद रखिएगा, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के लिए आपका जो मैरिस्ट्रेशन प्रोसीजर है वो थोड़ा सा चेंज है। और इसके बाद मल्टीपल आपकी मैरिस्ट्रेशन है, ये भी ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों के लिए भी परफॉर्म की जाती है।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मेथडेशन प्रोसीजर ऑफ द ऑर्गेनाइज ड्रग के लिए हम पढ़ते हैं। इसके अंदर द फर्स्ट स्टेप यही है कि आपने क्यू ड्रग हासिल करनी है जो आपने सिलेक्ट की थी। अगर आपने किसी नक्स वोमिका के सीड्स लेने हैं या आपने डिजिटालिस के लीव्स लेने हैं, ठीक है, ऑलमंड के आपने सीड लेने हैं, पीनट के सीड लेने हैं, सीड्स लेने हैं, तो आपने किसी भी क्रूड ड्रग को पहले हासिल कर लिया। देन आपने उसे कोर्स पाउडर में कन्वर्ट करना है, फाइन पाउडर में कन्वर्ट नहीं करना। ऑर्गेनाइज ड्रग के बारे में ये चीज फेमस है कि यहाँ पर जब आप ड्रग को कन्वर्ट करेंगे यानी उसे पीसेंगे, ग्राइंड करेंगे, तो आपने उसे कोरस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि मोटा मोटा दादर सा रखना है। आपने कभी भी उसे फाइन पाउडर की शक्ल में कन्वर्ट नहीं करना, ये बात आपने याद रखनी है। सेकेंड पॉइंट में अगेन उसी तरह आप एक मलमल का कपड़ा लेंगे, उसमें पाउच बनाएंगे, उसमें अपने तमाम के तमाम कोरस पार्टिकल ऑफ द ड्रग उसमें डाल देंगे। इसके बाद उसे अच्छी तरीके से बंद कर देंगे किसी रस्सी के साथ। फिर आप एक मेडिस्टम की सिलेक्शन करेंगे जो आपने अकॉर्डिंग टू आपकी ड्रग होगी, उसे आप एक बीकर में, एक टैंक में मेडिस्टम के साथ भर देंगे। विद द हेल्प ऑफ एनी स्टैंड आप अपना उस पोटली, उस पाउच को उस मेरिस्टम के अंदर सस्पेंड कर देंगे और सस्पेंड करेंगे एटलीस्ट 7 days तक। कितने दिन तक? 7 दिन तक। आफ्टर द 7 days आप उसके अंदर से वो पाउच जो है या वो पोटली जो है जिसमें ड्रग पैक थी उसे रिमूव कर लेंगे और आपके जो मेरिस्टम है उसके अंदर तमाम की तमाम ड्रग एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगी। एक चीज और याद रखिएगा, ऑर्गेनाइज ड्रग के अंदर आप लोग उस पोटली को प्रेस भी करेंगे, प्रेस करके उसके अंदर से तमाम जो लिक्विड या मेरिस्टम उसके अंदर गया वो भी आप बाहर निकाल लेंगे सारा का सारा। और लास्ट पर अपने मेरिस्टम के अंदर रिक्वायर्ड आप जो भी लिक्विड डाल के उसका वॉल्यूम एडजस्ट कर लेंगे। ये था मैसरेशन प्रोसीजर ऑफ द ऑर्गेनाइज ड्रग। अब हम लोग पढ़ेंगे मैसरेशन प्रोसीजर ऑफ द अनऑर्गेनाइज ड्रग। इसमें एक और चीज आप लोगों ने, इसमें भी अगेन वही, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अनऑर्गेनाइज पार्ट ऑफ द ड्रग जो है वो फाइनलाइज करना है कि आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा जी, इसमें आपने याद रखना है अगर वो ड्रग आपके पास ड्राई फॉर्म में आ जाती है, जैसे फटकरी की तरह की कोई ड्रग हो, वो ड्राई फॉर्म में होगी तो आपने उसे फाइन पाउडर की शक्ल में कन्वर्ट करना, बिल्कुल फाइन पाउडर। ये जो घरों में आप लोग पाउडर इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी पर लगाने के लिए, ठीक है, इस तरह के पाउडर की शक्ल में आपने इसे कन्वर्ट करना है। लेकिन अगर वो ड्रग किसी गम की शक्ल में है, रेजिन की शक्ल में है, म्यूसिलेज की शक्ल में है, तो देन आपने उसे कोई भी ग्राइंड या कुछ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आपने उस ड्रग को उसी तरह एक पोटली के अंदर पैक करना है, फिर आपने एक टैंक लेना या बीकर लेना, उसमें मेरिस्टम भरना, उस पोटली को उसके अंदर सस्पेंड कर देना 2 से 7 दिन तक, यानी 2 to 7 days। अब ये डिपेंड करता है, 2 days भी हो सकते हैं, 3 days भी हो सकते हैं, 5 days भी हो सकते हैं, 6 days भी हो सकते हैं, या 7 days तक आपने उसमें सस्पेंड करके उसे रखना है। जब आप उसे उसके अंदर सस्पेंड कर लेंगे, फिर उसके बाद आपने उसके अंदर सस्पेंड करने के बाद अब आपने उसमें से वो पोटली बाहर निकालनी है 7वें दिन या 5वें 6वें 4वें दिन। एक चीज याद रखिएगा, अनऑर्गेनाइज ड्रग में आपने कभी भी पोटली को प्रेस नहीं करना। अगर उसमें गम म्यूसिलेज हुई तो वो तो उस मलमल के कपड़े से बाहर निकल आएंगी, वो तो आपके मेरिस्टम को कंटेमिनेट कर देंगी, खराब कर देंगी, उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। फाइन पाउडर हुआ तब भी वो स्क्वीज करना शुरू कर देगा, उससे निकलना शुरू हो जाएगा। तो आपने अनऑर्गेनाइज जब ड्रग की मेरिस्ट्रेशन करनी है तो आपने उसे कभी भी जो है प्रेस नहीं करना, ये बात आपने याद रखनी है। लेकिन ऑर्गेनाइज ड्रग में आप उसे प्रेस करेंगे, ठीक है, और उसके बाद लास्ट पर आप वॉल्यूम मेकअप करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास तो एक और टाइप है, वो है मल्टीपल मैसरेशन प्रोसीजर। मल्टीपल मैसरेशन प्रोसीजर का मतलब होता है रिपीट, बार बार रिपीट करना, ठीक है। ये अब इसका मल्टीपल मैसरेशन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट और इफेक्ट
ओके बच्चों, तो ये आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है और बहुत इफेक्टिव प्रोसीजर है ताकि आपके पास एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी आ सके। मल्टीपल मैसुरेशन को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी देती है। ठीक है, अब इसका मेन द बेस बेसिक एम्स ऑफ दिस प्रोसीजर इज टू रिमूव द रिमेनिंग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इनटू द मेरिस्टम। इसका बेसिक जो प्रोसीजर या एम है वो ये चीज है कि आपने उस क्रूड ड्रग के अंदर से मैक्सिमम 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 तमाम का तमाम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी कि ड्रग जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेने हैं। ठीक है, इन्होंने लिखा भी हुआ है कि मल्टीपल मेरिस्टम जो है ये ज्यादातर जो है वो प्रेफरेंस पे रहती है अल्कोहल पर। अगर अल्कोहल अवेलेबल ना हो यानी इसमें मेरिस्टम जो है वो अल्कोहल इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अगर आपके पास अल्कोहल अवेलेबल ना हो तो देन आप वाटर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ज्यादातर प्रेफरेंस पे रहेगा कि आप अल्कोहल ही मेरिस्टम के लिए इस्तेमाल करें। अब डबल मेरिस्टम क्या होती है, फिर उसके बाद ट्रिपल मेरिस्टम क्या होती है। अगेन पहली बात यह है कि आपने फर्स्ट स्टेप यह है कि सिलेक्शन ऑफ द ड्रग, आपने ड्रग सेलेक्ट कर ली और अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद आपने उस ड्रग को एक पोटली के अंदर बंद कर लिया, अगेन उसी तरह पाउच बनाया, अकॉर्डिंग टू ड्रग नेचर आपने मेरिस्टम सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर आपने ये काम करना है कि जो मेरिस्टम है ना, ठीक है, अच्छा यहाँ पर याद रखिएगा ये जो डबल मेरिस्टम है ये ज्यादातर आप लोगों की ऑर्गेनाइज ड्रग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप ऑर्गेनाइज ड्रग का प्रोसीजर इस्तेमाल कर रहे हो डबल मेरिस्टम, जब आप मेरिस्टम सेलेक्ट कर लेंगे तो आप मेरिस्टम को डिवाइड करेंगे टू पोर्शंस में, यानी कि पोर्शन नंबर ए एंड पोर्शन नंबर बी, उसी मेरिस्टम को आप दो हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। आप अपनी क्रू ड्रग को मेरिस्टम ए में कुछ दिन के लिए डिप करके रखेंगे, लाइक 4 and 5, 6 days के लिए, फिर उसके बाद उसमें से आप अपना क्या करेंगे, पोटली को निकाल लेंगे और उससे मेरिस्टम टू जो है जो बी पोर्शन में बनाया था उसमें डिप कर देंगे, फिर 6 to 7 days के लिए। इस तरह आप डिप करके रखेंगे, डिप करने के बाद अगेन वही बात है कि आप उसे अच्छी तरह प्रेस करेंगे, प्रेस करने के अंदर उसके अंदर जितना लिक्विड होगा पोटली में से बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद आप फाइनली मेरिस्टम ए और बी को आपस में मिक्स करके वॉल्यूम एडजस्ट करेंगे। अब क्वेश्चन आएगा, सर जो हम सिंपल मेरिस्टम कर रहे थे वो भी तो कुछ ऐसा ही था, तो अब पोर्शन में क्यों डिवाइड किया है। बच्चों एक बात याद रखिएगा, जब आप एक ही पोर्शन में एक ही जगह पर पूरा मेरिस्टम इस्तेमाल करते हैं ना, तो सम टाइम वहां पर आपकी ड्रग की एक्सट्रैक्शन अच्छी नहीं होती क्योंकि वहां पे सैचुरेशन प्रोसीजर आ सकता है। लेकिन जब हम दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं तो एक पोर्शन में जितना मेरिस्टम होगा वो मैक्सिमम उसमें से सारी ड्रग चूस लेगा, लेकिन जब वो सैचुरेट होगा वो फर्दर उस ड्रग को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो जब हम उसे फौरन दूसरे मेरिस्टम यानी बी वाले पोर्शन में रखेंगे वो तो खाली होगा अंदर से, उसमें तो सिर्फ लिक्विड है और कोई ड्रग नहीं है, तो वहां पर जो ड्रग की एक्सट्रैक्शन है वो ज्यादा अच्छी हो सकती है, एक ज्यादा अच्छे तरीके से वो दोबारा ड्रग जो है वो एक्सट्रैक्ट हो सकती है। तो ये प्रोसीजर काफी हद तक फेमस समझा जाता है। अब ट्रिपल मेरिस्टम ये भी एक ऐसा ही प्रोसीजर है जो कि तकरीबन मिलता जुलता है। इसमें आप लोगों ने सबसे पहले ड्रग सेलेक्ट करनी है और उसके बाद ड्रग को प्योरली फाइन पाउडर में आपने कन्वर्ट करना है, फाइन पाउडर में कन्वर्ट करना है मुकम्मल करके, ठीक है। उसके बाद आपने इसे पाउच में कन्वर्ट करना है, अगेन उसी तरह जिस तरह लास्ट आपने पाउच बनाए थे। फिर इसके बाद आपने उसके वो करने हैं मेरिस्टम सेलेक्ट करना है। मेरिस्टम सेलेक्ट करने के बाद आपने उसे तीन पोर्शन में डिवाइड करना है, कितने पोर्शन में डिवाइड करना है, तीन पोर्शंस में, यानी इसका मतलब है कि अब यहाँ पर पोर्शन नंबर 1A, पोर्शन नंबर बी एंड पोर्शन नंबर सी, तीन पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। अगेन सेम वही प्रोसीजर है, आप पोर्शन नंबर ए में स्पेसिफिक टाइम के लिए डिप करके रखना है, पोर्शन बी में स्पेसिफिक टाइम के लिए डिप करके रखना है, पोर्शन सी में स्पेसिफिक टाइम के लिए डिप करके रखना है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इसमें कभी भी आपने, अगेन वही चीज है कि आपने उस पोटली को प्रेस नहीं करना और उसके बाद तीनों के तीनों आपने जो पोर्शन बनाए थे मेरिस्टम के आपने दोबारा से उन्हें आपस में मिक्स कर देना, वॉल्यूम एडजस्ट करना है और आपकी एक्सट्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम लोग इसी में ही डिस्कस करेंगे, ये है परकुलेशन।
परकुलेशन बी मेथड बहुत फेमस मेथड है और ये भी बहुत ज्यादा जो है प्रेफरेंस पर रहता है। इट इज एन एक्सट्रैक्शन टेक्निक, ये एक एक्सट्रैक्शन टेक्निक है इन विच आ कम्युनिकेटेड ड्रग, आप कम्युनिकेटेड ड्रग को छोड़ दें, आप सिंपल लिख सकते हैं ड्रग, ठीक है। इट इज अ एक्सट्रैक्शन टेक्निक इन विच अ ड्रग इज इनक्लोज इन अ वेसल, इसमें जो ड्रग होती है उसे एक वेसल के अंदर क्लोज किया जाता है, उस वेसल को हम क्या कहते हैं, परक्यूलेटर। अभी मैं आपको पिक्चर्स और जो है डायग्राम्स दिखाऊंगा, आप वहां पे देखकर आपको पता चल जाएगा। देन मेरिस्टम इज अलाउड टू पास थ्रू देम, और मेरिस्टम को अलाउ किया जाता है कि वो उस ट्यूब के अंदर से पास आउट हो और गुजरे, ठीक है। जैसे जैसे वो मेरिस्टम आप उस पर एड करते जाएंगे, वो उस आपकी ड्रग के अंदर से गुजरती जाएगी और ड्रग को एक्सट्रैक्ट करती जाएगी, ठीक है। द एक्सट्रैक्शन दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द परकुलेशंस एंड द प्रोसीजर इज कॉल्ड परक्यूलेट, तो वो जो ऑपरेटर्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसे परक्यूलेटर कहते हैं, और जो आपका ये प्रोसीजर है जिसकी मदद से आपने एक्सट्रैक्शन करनी है, इट इज कॉल्ड अ परक्यूलेशन। और परक्यूलेशन प्रोसीजर की एक्सप्लेनेशन है नीचे, पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग जो है इसको डिटेल में इसकी डायग्राम के जरिए मैं आपको मजीद एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले है सिलेक्शन ऑफ द ड्रग, आपने एक ड्रग को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने आपसे ये नहीं कहा द ड्रग इज ऑर्गेनाइज्ड एंड ड्रग इज अनऑर्गेनाइज्ड, मैंने ऐसी बात नहीं की। इसमें चाहे ड्रग ऑर्गेनाइज्ड है चाहे अनऑर्गेनाइज्ड है, आपने ड्रग की सिलेक्शन करनी है, उसके बाद आपने एक सूटेबल साइज में उसे रिड्यूस करना है, यानी कि आपने उसे कोर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पाउडर में भी कर सकते हैं, क्रश करना है मॉडरेटली, बहुत ज़रा फाइन पाउडर में आपने उसे कन्वर्ट नहीं करना, यानी कि थोड़ा सा क्रश करके पाउडर की शक्ल में ले आए, लेकिन फाइन पाउडर नहीं होना चाहिए, ठीक है। एडवांटेजेस में क्या है, पहला एडवांटेजेस की साइज क्यों रिड्यूस करना चाहिए, साइज रिड्यूस करने से हमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। द फर्स्ट बेनिफिट इज टू इनहेंस द सर्फेस एरिया ऑफ द ड्रग, जितना साइज आप रिड्यूस करते हैं उतना ज्यादा ये बेनिफिट मिलता है कि सर्फेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा ड्रग एक्सपोज होगी, ज्यादा से ज्यादा ड्रग मेरिस्टम के कॉन्टेक्ट में आएंगे। सेकेंड पॉइंट, बिकॉज द साइज रिडक्शन यूनिफॉर्म पैकिंग ऑफ द ड्रग इन परकुलेशन, आपका जो परक्यूलेटर है उसमें जो ड्रग है वो यूनिफॉर्मली पैक होगी। बच्चे अगर आपकी ड्रग बड़े बड़े साइज की होगी, पत्थर होगी, रोड़े बने होंगे, तो डेफिनेटली एयर स्पेसिस आ जाती हैं, तो जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी आपकी एक्सट्रैक्शन में। तो आपने जब उसे फाइन तो नहीं कोरस पाउडर में कन्वर्ट किया होगा तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, देन जो गैप्स हैं उनके दरमियान में वो मिनिमम हो जाएंगे, कम से कम हो जाएंगे, और ड्रग प्रॉपर तौर पे वहां पे पैक होगी ताकि अच्छे तरीके से वो एक्सट्रैक्शन हो सके। थर्ड पॉइंट, साइज रिड्यूस करने से हमें ये फायदा होगा कि जो मेरिस्टम होगा, जो लिक्विड आप इस्तेमाल करें, वो स्लोली उसमें से गुजरेगा जहां पे ड्रग आपने पैक की होगी। बच्चों अगर आपने ड्रग प्रॉपर पैक नहीं होगी, वहां पे एयर स्पेसेस होंगी, गैप्स होंगे, तो एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है, मेरिस्टम रैपिडली वहां से गुजर जाएगा। जब मेरिस्टम वहां पे रैपिडली गुजर जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वहां पर आपकी एक्सट्रैक्शन अच्छी नहीं होगी। एक्सट्रैक्शन अच्छी करने के लिए हमें वहां पे एक तो हमारी ड्रग टोटली पैक हो, दूसरी बात एयर स्पेसिस ना हो, बबल्स ना हो, ताकि मेरिस्टम को गुजरने में थोड़ी तकलीफ हो। जितना स्लोली स्लोली वो वहां से गुजरेगा उतनी अच्छी एक्सट्रैक्शन होगी। ये थे सिलेक्शन ऑफ द ड्रग एंड द रिड्यूस द साइज ऑफ द ड्रग इन द परकुलेशन, तो ये उसके बेनिफिट समझने पड़े। अब हम ड्रग परकुलेशन मेथड में इस्तेमाल करने से पहले उसे गीला करते हैं, जिसे कहते हैं मॉइस्चराइजिंग ऑफ द ड्रग। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आप अपनी क्यू ड्रग को सॉफ्ट करते हैं, यानी कि उसे मॉइस्ट करते हैं। आपने एक कंटेनर लेना, यानी एक बीकर लेना, इसमें एक सूटेबल अमाउंट में अपना मेरिस्टम डाल देना। मेरिस्टम डालने के बाद आपने अपनी ड्रग उसमें डाल देनी है, सारी ड्रग को 4 घंटे के लिए उस मेरिस्टम में डिप रखना है, ताकि वो अच्छी तरीके से उसके अंदर सोक हो जाए, डिप हो जाए, और अच्छी तरीके से गीले हो जाए, सॉफ्ट डेलिकेट हो जाए, ठीक है। 4 घंटे के लिए आपने उसके अंदर अपनी ड्रग को डिप करके रखा, ठीक है। अब ड्रग को सॉफ्ट
करने के है कि आपकी जो ड्राई पाउडर ड्रग होती है वो स्वेल कर जाती है जब उसे हम लोग मेरिस्टम में डिप करके रखते हैं। स्वेलिंग करने से उसका जो मेरिस्टम के साथ से वो बड़े अच्छे तरीके से मेरिस्टम के साथ अपना रिएक्शन शो कर सकती है। दूसरी बात यह है कि वहां पर जो एयर स्पेसिस होती हैं वो जो आपके ड्राई पाउडर के अंदर जो एयर स्पेसिस होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। एयर स्पेसिस खत्म होने की वजह से ड्रग स्वेल करती है, इनके दरमियान में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ जाती हैं जिसकी वजह से एक तो ड्रग ड्रग दूसरी को अच्छे तरीके से पैक करके रखती है, ट्रैप करके रखती है ताकि वहां पर आसानी से वो फिक्स हो सके और एक्सट्रैक्शन अच्छी हो सके। आपके पास परकुलेटर दो तीन तरह के होते हैं, एक वो परकुलेटर है जिसे ओपन परकुलेटर यानी कि ऐसे परकुलेटर जो कि नॉन वोलाटाइल नेचर के होंगे यानी कि वो है आप इसके अलावा हो सकते हैं जिनके अंदर वोलेटाइल केमिकल्स मौजूद होते हैं उनके लिए जो परकुलेटर्स आप इस्तेमाल करेंगे वो क्लोज परकुलेटर होता है। कौन सा परकुलेटर होता है? क्लोज क्लोज परकुलेटर और दोस्त परकुलेटर्स अल्कोहल मेरिस्टम एथेनॉल इस्तेमाल की जाती है। पैकिंग आफ्टर इंबिबिशन, जैसे ही आपने ड्रग को मॉइस्ट कर लिया आपने उस क्रूड ड्रग को आपने एक सूटेबल परकुलेटर के अंदर पैक कर देना है। वो परकुलेटर जो है वो आप लोगों को आपकी अकॉर्डिंग टू आपके मेरिस्टम आपने सेलेक्ट करना है कि आपने ओपन परकुलेटर इस्तेमाल करना है या आपने क्लोज परकुलेटर इस्तेमाल करना है। मैसरेशन क्या होता है? आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ दी पर्टिकुलर और स्पेसिफिक सॉल्वेंट, जब आप एक स्पेसिफिक सॉल्वेंट जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं जिसे हम मेरिस्टम कहते हैं, आपने उसको लार्ज पोर्शन यानी कि उसे बार बार आपने परकुलेटर के ऊपर पोर करना है और करके और ड्रॉप वाइज पोर 24 घंटे तक आपकी वो ड्रग के ऊपर कंटिन्यूसली बार 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 वो जो आपका मेरिस्टम है वो होना चाहिए। जितना ज्यादा मेरिस्टम उसके ऊपर पोर करेंगे उस 24 घंटे में उतनी अच्छी एक्सट्रैक्शन होगी। परकुलेशन आफ्टर 24 आवर्स, जैसे ही 24 आवर्स पूरे होंगे आपने उस परकुलेटर के नीचे वाली साइड पर एक नोजल होती है, अभी मैं डायग्राम में दिखाता हूँ आपको, वो नोजल को ओपन करना है और जितना भी उसमें मेरिस्टम एक्सट्रैक्ट हुआ हुआ है जिसमें ड्रग डिजोल्व हो चुके उसे आप सेपरेट करेंगे, वॉल्यूम एडजस्ट करेंगे और आपको वो चीज मिल जाएगी। पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखा लूँ फिर इसके बाद मैं सीधा आपको दिखाता हूँ, एक मिनट बच्चों। अच्छा बच्चों जैसे आप ये बच्चे अच्छा बच्चे ये देख सकते हैं आप, जैसे कि आपको ये डायग्राम शो हो रही है आप डायग्राम में ध्यान से देखें, आपने डायग्राम में देखा कि आपके पास एक लंबा सा एक ये कतोन टाइप एक चीज है जिसे हम परकुलेटर कहते हैं, ठीक है। अब इस परकुलेटर के अंदर आप लोगों ने ध्यान से देखना है कि ये देखें यहाँ पर ना एक परकुलेटर के मिडल के अंदर सेंटर के अंदर एक यहाँ पर जो है ना परफोरेटेड प्लेट लगी होती है, ये प्लेट वो चीज होती है जो कि आपके जो क्रूड ड्रग है इसको नीचे नहीं आने देगी और इससे ऊपर यहाँ पर आप अपनी क्रूड ड्रग ब्राउन कलर में यानी क्रूड प्लांट मटेरियल जो है वो यहाँ पे पैक करेंगे जो कि आपके पास पाउडर की शक्ल में होगा, आप पैक कर दिया। इसके बाद आप लोग ऊपर से यहाँ से मेरिस्टम 24 घंटे तक इसमें ऐड करते रहेंगे, ये जो येलो कलर में आपको नजर आ रहा है इसका मेरिस्टम, ये मेरिस्टम जो है वो आस्ता 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 आपके यहाँ से ड्रॉप वाइज गुजरता जाएगा, इस पूरी ड्रग के अंदर से गुजर के आस्ता 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 यहाँ पे नीचे कलेक्ट होता जाएगा। अगले दिन जब आप आएंगे 24 घंटे बाद आप सुबह आकर इस नोजल को ओपन करेंगे और ये जो नीचे वाला सारा का सारा आपका एक्सट्रैक्शन है इसे सेपरेट कर लेंगे और इसके बाद और इसमें आपकी तमाम ड्रग की एक्सट्रैक्शन इसमें आ चुकी होगी। अगर ये आपका क्लोज परकुलेटर है तो ऊपर ये ढक्कन रखेंगे, अगर ये ओपन परकुलेटर हुआ तो आप ऊपर ढक्कन रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऊपर से कभी एवेपोरेट नहीं करेगा। तो ये आपकी डायग्राम है जो आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए थी, ठीक है, ये है परकुलेटर की डायग्राम, ठीक है। अच्छा जी मैं आपको एक
छोटी सी लाइन और करवानी है, ठीक है? फिर उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस की तरफ आऊंगा, फिर ये टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। जस्ट वन सेकेंड, मैंने कुछ लाइंस आपको पढ़ रीड करवानी है। रीड करवाने के बाद फिर उसकी डायग्राम दिखा कर फिर मैं आपसे क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। ओके बच्चों, कंटिन्यूसली हॉट एक्सट्रैक्शन, ये एक अलग टॉपिक है। इस परकुलेटर खत्म हो गया, परकुलेशन खत्म हो गया, मैसुरेशन खत्म हो चुकी है। अब आपके पास जो है कंटिन्यूसली हॉट एक्सट्रैक्शन जो है, ये आपके पास एक मेथड है। अच्छा, इसे ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं इसे डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा। इन कंटिन्यूसली हॉट एक्सट्रैक्शन द ड्रग इज इनक्लोज्ड इन अ ड्रग चैम्बर, ठीक है? इन कंटिन्यूसली हॉट एक्सट्रैक्शन मेथड में ड्रग को एक ड्रग चैम्बर के अंदर एंड मेरिस्ट्रम इज प्लेस्ड, और मेरिस्ट्रम के साथ पैक कर दिया जाता है, और नीचे क्या चला दिया जाता है, फ्लेम यानी आग जला दी जाती है। आ रिफ्लेक्स कंडेंसर प्लेस एट द अपर पोर्शन, और उसी ट्यूब के ऊपर वाली साइड पर एक कंडेंसर को जोड़ दिया जाता है। जैसे जैसे व्हेन अ हीट इज अप्लाइड, जब हीट दी जाती है, मेरिस्टम इज बॉइल्ड, वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है, इट इज कन्वर्टेड इनटू द वेपर्स, और वेपर्स आर कंडेंस्ड बाय द रिफ्लेक्स कंडेंसर, और वो वेपर्स उस कंडेंसर में से गुजरते हैं। जब उस कंडेंसर में से गुजरते हैं, उसके गिर चल रहा था ठंडा पानी, वो उस वेपर्स को कन्वर्ट कर देता है लिक्विड्स में, एंड द ड्रॉप्स ऑफ द मेरिस्टम ट्रिकल डाउन ऑन द ड्रग चैम्बर्स, और उसके बाद वो जो वेपर्स ड्रॉप्स में कन्वर्ट होते हैं, वो एक चैम्बर में कलेक्ट होते जाते हैं, और वहां से हम फिर अपनी चीजों की एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं। ये बच्चों को ज्यादा बेहतर तब नजर आएगा जब मैं एक डायग्राम आपको दिखाऊंगा, और बच्चों को डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा, तो आप लोग ज्यादा अच्छे तरीके से आपको ये चीज समझ आएगी कि सर क्या बताना चाह रहे हैं। ओके जी, सब बच्चों को ये डायग्राम नजर आ रही होगी, ठीक है? हमारे इस डायग्राम में ध्यान से आपने देखना है जो चीजें मैंने बताई हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करने लगा। ओके जी, आपने एक स्टैंड लेना, जैसे ये नजर आ रहा है, इस स्टैंड के आपने यहाँ पे एक नीचे बर्नर लगा देना है। आपने राउंड बोतल फ्लास्क लेनी है, जैसे ये नजर आ रही है। इस फ्लास्क के अंदर आपने अपना मेरिस्ट्रम और आपने अपनी ड्रग दोनों को मिक्स करके डाल देना, ठीक है? चाहे वो एथेनॉल आपका मेरिस्ट्रम है, चाहे वाटर है, चाहे डजंट मैटर, यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही कि वाटर यूज करना है, अल्कोहल यूज करना है, कोई भी यूज कर सकते हैं। थर्मामीटर ऊपर इसलिए लगाया जाता है टू नोट द टेम्परेचर, टेम्परेचर को नोट करने के लिए कि वेपर्स कब बन रहे हैं, ठीक है? क्योंकि याद रखिएगा, जो आप मेरिस्ट्रम आप क्रूड ड्रग लेते हैं, वो क्रूड ड्रग प्योर नहीं है, वो किसी कोई सीड है, कोई लीफ है, कोई स्टेम्स है, कोई बार्क्स है, कोई रूट्स है, कोई गम्स है, कोई म्यूसिलेज है, कोई फ्लावर्स है, तो उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, और हमने जिस केमिकल को एक्सट्रैक्ट करना होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट हमें पता होता है। हमने बर्नर से सिर्फ उतनी हीट देनी है कि हमारा ये थर्मामीटर सिर्फ उस स्पेसिफिक टेम्परेचर तक फिक्स रहे। जब वो जैसे वो टेम्परेचर आएगा, हमें पता चल जाएगा अब जो चीजें बॉयल हो रही हैं या जो चीज वेपर्स बन रही है, वो हमारा एक्सट्रैक्शन, हमारा केमिकल है। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर दिया जाएगा तो वो दूसरे केमिकल्स भी वेपर्स में कन्वर्ट होंगे और वो भी एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए टेम्परेचर मेंटेन करना जरूरी होता है। जैसे हीट मिलेगी, ये बॉयल्स बनेंगे, बॉयल बन के ऊपर जाएंगे, और ये लगा हुआ आपका कंडेंसर, ये जैसे कि आपको नजर आ रहा है, इसे कंडेंसर कहते हैं। इस कंडेंसर के अंदर आप व्हाइट कलर की एक लाइन देख रहे हैं, जो ट्यूब है, इसके अंदर से वेपर्स गुजरेंगे। इसके दोनों तरफ पर ये देखिए ठंडे पानी, ये ब्लू कलर में जो नजर आ रहा है, इट्स अ कोल्ड वाटर, पाइप लगाया होता है ठंडे पानी का, ये ठंडा पानी इसमें से इधर जाएगा और इधर से बाहर निकल आएगा, उधर से अंदर जाएगा, इधर से बाहर निकल आएगा। जो वेपर्स होते हैं उसे ड्राई ठंडा किया जाता है, जैसे वो कंडेंस होते हैं, कंडेंस का मतलब होता है ठंडा होना, ठंडे होते ही वो ड्रॉपलेट्स की शक्ल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, और दूसरी साइड पर हमारे वहां पे बीकर्स लगा हुआ है जहाँ पे ये ड्रॉपलेट्स की शक्ल में कलेक्ट होते जाएंगे, और अल्टीमेटली जब तक ये पूरा का पूरा जो लिक्विड है वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोसीजर चलता रहेगा। इसे हम डिस्टिलेशन प्रोसीजर भी कहते हैं, लेकिन आपके वहां पे लिखा हुआ है हॉट कंटिन्यूसली हॉट एक्सट्रैक्शन मेथड। तो ये आपके पास ये इस डायग्राम उसकी है, ठीक है? तो वन सेकेंड स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये आपका फार्माकोग्नोसिस से रिलेटेड आपका प्रोसीजर था, ये बहुत फेमस है, इंशाल्लाह हम लोग आपको ये करवाएंगे। ये जो डिस्टिलेशन वाला प्रोसीजर है, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी है, ये प्रोडक्ट्स हमारे पास हमारे एफओ में अवेलेबल है, हमने आप लोगों के लिए मंगवाया था, और इंशाल्लाह हम लोग आपको ये परफॉर्म करके भी दिखाएंगे,
और ये प्रोसीजर बड़ा आसान है और ये काफी ज्यादा आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अभी के टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चंस जो हैं वन बाय वन पूछ सकते हैं। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो वन बाय वन पूछें। एनी क्वेश्चंस?